से किस अदा के साथ जैसे दिया जलता रहे मुसलसल हवा के साथ दिल। हेलो ये जान रहा बाजी, मैं परवेज बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मिल सकती हैं? ठीक। खराब पालक भी बीच में डाल देते हैं। बड़ी चोर बाजारी हो गई है भाई इस मुल्क में। अब्बा हाय, देखो अल्लाह से मैं कुछ और मांग लेती इस वक्त तो वही दे देता। पालक बना रही हूँ, जो जल्दी से ना लहसुन ला दे। और भी अगर कुछ चाहिए आपको तो बता दें, मैं बाहर जा रहा हूँ एक काम से। कौन सा काम, कहाँ जा रहे हो? घर का नक्शा बदलवाना। अभी तो बनवाया था नक्शा, इतनी जल्दी कैसे बदलने लगे? आपकी बात पे गौर किया ना शाजुबा जी, आप सही तो कह रही थी। आपने भी जॉब की, करियर बनाया, लेकिन आपको मालूम है कि घर में बावर्ची खाना कहाँ होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है परवेज कि मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता, लेकिन मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूँ। मुझे तुम्हारी और हुस्ना की समझ नहीं आती, ये कैसा तालुक है? मुझे लगता है कि हुस्ना का जैसा मिजाज है ना, कल को उसे लगा कि मेरे साथ रहना उसके फायदे में नहीं है, तो वो तो मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। अन्ना भी मर गई। परवेज तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं कर रहा खाला, बस अपने घर का नक्शा सीधा करवा रहा हूँ। मैं ना छाजू बाजी एक आम सा मामूली सा सीधा साधा इंसान, मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए। कल को हुस्ना मुझे छोड़ के कहीं भी चली जाती है तो ये अजीब सा घर जो मैं उसके मिजाज के मुताबिक बना रहा हूँ, इसका मैं क्या करूँगा? ना इसे बेच सकूँगा, ना ही किराए पे लेगा कोई। घर एक ही बार बनता है खाला, एक ही बार। मुझे लगता है कि मुझे अपना घर वैसा ही बनाना चाहिए जैसा मैं खुद हूँ, सीधा साधा। परवेज आप हुस्ना को उसके मुताबिक उसकी जिंदगी जीने दें, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा एक दोस्त बनकर। मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता।